हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शालिनीज फूड बर्ड में। फ्रेंड्स, त्यौहार का सीजन आने ही वाला है, तो ऐसे में हम अपने घर पर बहुत ही अच्छी अच्छी और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते हैं। कुछ लोग मार्केट से भी लाते हैं। अब मिठाइयाँ बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है मेन इंग्रेडिएंट खोआ। खोआ हम मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन इस टाइम में बहुत ही मिलावटी और बेकार खोआ मिलता है। इससे अच्छा है कि हम अपने घर पर ही खोआ बना लें। खोआ बनाने में से कोई खास दिक्कत तो है नहीं, बहुत ही कम सामान में हम अपने घर पर खोआ बना सकते हैं। तो फिर आज के वीडियो में मैं आपको घर पर ही बहुत ही कम सामान में खोआ बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक गिलास दूध लिया है, अराउंड 250 ग्राम दूध है ये। इसे हम पहले बॉईल होने देंगे। ये कोई फुल क्रीम दूध नहीं है, ये नॉर्मली दूध है जो हमारे घर में आता है। चाहे आप गाय का दूध यूज कर रही हो या भैंस का दूध, कोई भी दूध आप ले सकते हो या फिर पैकेट का दूध। इसे हम बॉईल होने देंगे। उसके बाद मैंने ये एक कटोरी मलाई ली है। मलाई ये मैंने घर में जो दूध गर्म होता है उसके बाद ठंडी होने के बाद फ्रिज में रख देते हैं, तो ये वही मलाई है, वो एक हफ्ते की मलाई है। आप एक हफ्ते की मलाई फ्रिज में रख के इसे यूज में ला सकते हो। तो इसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। यही हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जिसे हम दूध में मिक्स करके दानेदार और स्वादिष्ट खोआ बना सकते हैं। यही हमारी रेसिपी का सीक्रेट है और जिसे हम इसमें डालकर हम खोआ बनाएंगे। ये देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बॉईल आने देंगे। हमारा ये उबाल इसमें आ रहा है और मलाई इस तरह से इसमें और भी ज़्यादा इकट्ठी होती जाएगी। लेकिन हमें इसे कंटिन्यू चलाना है, हमें इसे बीच में छोड़ना नहीं है। अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो ये नीचे तले में लग जाएगा। वैसे आप अगर खोआ बना रहे हैं तो भारी तले की ही कढ़ाई का यूज में लाएं, क्योंकि हल्के तले की जो आप कढ़ाई लेंगे उससे खोआ जल जाएगा और खोए का स्वाद खराब हो जाएगा। ये देखिए, धीरे धीरे थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गया है और आपको दाने भी दिख रहे होंगे, थोड़े थोड़े से दाने भी इसमें आने लगे हैं। इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे और इसकी जो मलाई है उसको हम इसी में वापस मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे चला के खोआ बनाते रहेंगे। मलाई तो सभी घर में मिल जाती है, इजीली मिल जाती है कि हम डेली दूध में मलाई पड़ती है उसको हम निकाल निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि ना ही बच्चे मलाई खाना पसंद करते हैं और ना ही बड़े। तो हम डेली की मलाई को हम कलेक्ट कर सकते हैं और इसे एक हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए, हमारा खोआ थिक होता जा रहा है। और ये देखिए, पहले से इसका जो देखने का टेक्सचर है, ये देखो पहले से थिक हो गया है और दाने भी इसमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, इसे आप उस समय कर सकते हो जैसे आप जब किचन में खड़े हैं, तो आप साथ साथ खोए को भी आप चलाते जाइए और खाना भी आप बनाते जाइए, ये साथ साथ ही काम हो जाएंगे। ये देखिए, अब हमारा खोआ पहले से ज़्यादा थिक हो गया है और अपने कलर में आ रहा है। इसे हम कंटिन्यू चलाते ही रहेंगे। अब हमारा खोआ एटलीस्ट बन ही चुका है। इसमें हम एक चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने का फ़ायदा ये है कि हमारा खोआ सफ़ेद बना रहता है। जैसे बाजार का खोआ होता है एकदम सफ़ेद कलर का होता है, उसी तरह से हमारा ये खोआ सफ़ेद बना रहता है और काफ़ी टाइम तक चलता है। इसे आप फ्रिज में रख के या फ्रीजर में रख सकते हो। फ्रीजर में रख के आप एक महीने तक यूज में ला सकते हो, और आप अगर इसे फ्रिज में रख रहे हो तो भी आप 15 दिन तक इसे कंटिन्यू रख सकते हो। ये देखिए, अभी पहले से थोड़ा सा अलग दिख रहा है। ये देखिए, थोड़ा थिक भी हो चुका है और इसमें दाने भी काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं। अब हमारा खोआ बिल्कुल पक चुका है। अब चाहें तो आप इसी स्टेज पर आप गैस भी ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप थोड़ा सा और थिक करना चाह रहे हैं तो आप गैस को स्लो रखिए और इसे थोड़ा थिक होने दीजिए। ये देखिए, अब हमने खोआ इसमें डाल दिया है। हमारा खोआ एकदम रेडी है और ये देखिए कैसा है, बिल्कुल दानेदार और एकदम बाजार जैसा खोआ हमारा बनकर रेडी है। अभी ये थोड़ा सा गर्म है, इसे ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
और कमेंट करके बताएं कि नया वीडियो मैं किस पर बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।